नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो क्या होने वाला है। तो गाइज, उससे पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ आप लोग 4-5 मिनट टाइम निकाल के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आप लोगों के लिए थोड़ा मैसेज इसमें हो सकता है कि आप लोग भी आगे सतर्क रह सकते हैं और मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। इसलिए प्लीज़ 5 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपको बता दूं कि मुझे अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये वीडियो अपलोड करूं या ना करूं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को बता देना चाहिए। और गाइज, आपको बता दूं कि वीडियो ना बनाने का मेरा क्या रीज़न था और मैंने अभी तक क्यों नहीं शेयर किया किसी के साथ ये। तो गाइज, आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने की 9 तारीख को मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। एक्चुअली हमारे घर में 9 तारीख को चोरी हो गई थी, सारे ताले वगैरह जो हैं वो टूट गए थे। और उसके बाद में कुछ सामान के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था मेरा लैपटॉप, वो चोरी हो गया था और लैपटॉप भी चला गया था साथ में। सो गाइस, काफ़ी जो है वो टेंशन था कि, और मुझे ये भी लग रहा था कि मुझे बताना चाहिए किसी को, FB पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी पर इस चीज़ को शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं काफ़ी कुछ सोच समझ के मैंने वो शेयर नहीं किया अभी तक। एक्चुअली में हम लोगों ने FIR वगैरह भी कर दी थी और पुलिस जो है वो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ एक्शन लेगी, तो कहीं उनको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपने क्यों शेयर कर दिया, किसी को पता चल जाएगा, ऐसा कुछ। इसलिए हम लोगों ने शेयर नहीं किया। और 9 तारीख से अभी दोबारा 9 तारीख आने वाली, अभी तक कोई ऐसा कुछ सुराग नहीं लगा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस कुछ एक्शन ले भी रही है। पुलिस केवल फॉर्मेलिटीज करके उसको चीज़ को छोड़ देती है। और आप लोग भी जानते हैं आजकल कि कितना ऐसे केसेस में, बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में पुलिस एक्शन लेती है, और अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं। और अब मैंने पूरी जो है उम्मीद है वो मुझे नहीं लग रही है कि लैपटॉप जो है वो मुझे वापस मिलने वाला है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना ही दिया और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ अभी ये शेयर करना चाहिए। तो गाइज, 9 तारीख को लैपटॉप चोरी हो गया था और आपको पता है कि लैपटॉप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैपटॉप में जो डेटा होता है वो ही होता है। और फ्रेंड्स, ये जो लैपटॉप था वो मैं तकरीबन, मुझे 6 साल होने जा रहे हैं मुझे ये लैपटॉप यूज़ करते हुए। तो 6 साल में आप लोग जानते हैं कि लोग के पास कितना डेटा इकट्ठा हो जाता है, वही सारा कुछ मेरे पास भी था। पुराने फोटोज़ भी थे और जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं अपने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वो भी थे उसमें। और बात बाकी, अभी जब से मैंने ये 2 साल मुझे होने जा रहे हैं यूट्यूब को स्टार्ट किए हुए, सो यूट्यूब का भी सारा डेटा था, एडिटिंग वगैरह के काम में यूज़ करता था मैं उस लैपटॉप को। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे उस लैपटॉप की कमी महसूस हो रही है, और सबसे ज़्यादा तो कमी महसूस है वो हो रही है डेटा की गाइस, क्योंकि लैपटॉप दोबारा भी परचेज कर सकता हूँ लेकिन जो डेटा है वो अब मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। और लैपटॉप चोरी होने के बाद ये पुलिस की जो प्रक्रिया थी वो भी बिल्कुल शांत सी हो गई है, और उसके बाद अभी दोबारा 9 तारीख आने वाली, अभी भी कोई एक्शन जो है वो नहीं हो पाया है। सो अभी इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। अभी तक मैंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ शेयर नहीं की थी, ना ही किसी को अभी तक बताया है। एक दो फ्रेंड है उनको मैंने इंडिविजुअली ऐसे ही मैसेज या कॉल करके बता दिया था कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो गई है, और बाकी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी कुछ सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तो मेरा जो है वो बिल्कुल भी माइंड काम नहीं कर रहा था, क्योंकि गाइज आप लोगों को भी पता है कि टेंशन तो होता ही है, भले ही आप लोग दोबारा परचेज कर सकते हो लैपटॉप हो या फिर कोई भी चीज़ हो, लेकिन जाने का थोड़ा दुख तो होता ही है, गम लगता है कि ये चीज़ जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा ही होता है गाइज। मैं उस चीज़ को अब याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे काफ़ी परेशानी होती है कि मेरा जो डेटा था वो चला गया, अब मुझे वापस नहीं मिलने वाला, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था गाइज। मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल ऑप्शन नहीं था जिसमें कि मैं उसको सेव कर पाता। तो गैस, मुझे अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है विदाउट लैपटॉप के, क्योंकि अभी जो सारा मेरा जो काम है वो मैं अपने इसी एक सिंगल फ़ोन से कर रहा हूँ, इसी से एडिटिंग कर रहा हूँ, इसी से फोटो वीडियो शूट कर रहा हूँ, और सारा कुछ जो है वो सब कुछ इसी से करना पड़ रहा है। और मुझे अभी कुछ ही दिनों में एक मोबाइल भी परचेस करना है, और उसके पहले ये लैपटॉप का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब मुझे लैपटॉप भी परचेस करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ काम चलाने के लिए सेकेंड हैंड एक लैपटॉप परचेस कर लिया जाए, जिससे कि थोड़ा बैलेंस बजट का जो है वो ख़राब ना हो, और मोबाइल भी हो जाए और लैपटॉप भी साथ में हो जाए। तो बस यही मैं देख रहा हूँ कि लैपटॉप एक सेकेंड हैंड मिल जाए अच्छा। तो और आप लोगों से भी मैं जो मैसेज बता रहा था कि आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहिए अपने लिए, क्योंकि
थोड़ी सी लापरवाही हमारी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब चोरी हुई तो हमारे घर पे कोई भी नहीं था, हम सभी लोग गांव गए हुए थे और तकरीबन 5-6 दिन से कंटिन्यू हमारा जो घर था वो उसमें लॉक लगा हुआ था, तो इसीलिए शायद चोरों की नज़र रही होगी 4-5 दिन से कि इसमें इस घर में कोई नहीं है, सो इस पर हाथ साफ कर दिया जाए। और गाइस जो फैक्ट है इस चोरी का वो मैं आपको बता दूं कि इसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो चोर ले जा सकते थे, वो नहीं लेके गए, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो शायद ले गए होंगे। जब हम लोग वहाँ से आए हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके घर में चोरी हो गई, हम लोगों ने देखा आगे, तो गाइस वो चीज़ नहीं गई हुई थी, क्योंकि वो लोग शायद सेफ आइटम जो थे वही ले जाना चाहते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ज़्यादा स्पेस उनका जो है वो भी उनको ले जाने में कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज एलईडी हमारी एक नई हमने अभी ली थी, एलईडी जो टीवी होती है वो लगी हुई थी, वो भी नहीं लेके गए। और मेरे भाई की एक साइकिल थी नई, मैंने अभी दिलवाई थी, वो विदाउट लॉक के खड़ी हुई थी, वो भी नहीं लेके गए। और जो मेरा लैपटॉप था उससे ही उन्हें ज़्यादा कुछ प्यार था, सो लैपटॉप लेके गए। और यहाँ मुझे इतनी सारी जो परेशानी है वो मुझे यहाँ पर फील हो रही है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाइज, लेकिन कर भी क्या सकते हैं दिक्कत होने से। सो गाइज प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करके बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और ज़्यादा कुछ इस वीडियो में अभी मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पूछना चाहिए और मैं क्या बताऊँ। मेरा जो भी अभी तक का मेरे साथ जो हुआ वो आपको मैंने अभी बताया इस वीडियो में। सो गाइज प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइज आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।